आर्थिक संकट में फंसे यस बैंक और कोरोना वायरस ने शेयर बाजार में भी कोहराम मचा दिया है। शुक्रवार को मार्केट में भारी गिरावट आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 857 अंकों की गिरावट के साथ 37,613.96 पर खुला। थोड़ी देर में सेंसेक्स 1400 अंक गिर गया। सुबह 11 बजे तक यस बैंक का शेयर करीब 85% तक टूटकर 6 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 327 अंक टूटकर 10,942.65 पर खुला। इनमें सिर्फ 74 शेयरों में तेजी देखी गई, जबकि 802 शेयरों में गिरावट आई। गिरने वाले प्रमुख शेयरों में यस बैंक, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, SBI, टाटा मोटर्स, RIL और ICICI बैंक शामिल हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे यस बैंक के ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। RBI के आदेश अनुसार खाताधारक अब यस बैंक से 50,000 रुपये से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे। निकासी की ये सीमा 3 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगी। यस बैंक के शेयर्स गिरने से देश भर के ग्राहकों में डर का माहौल बन गया है। गुरुवार रात कई शहरों में यस बैंक के ATM में ग्राहकों की कतारें देखी गई। यस बैंक के निदेशक मंडल के अधिकारों पर रोक लगाते हुए 1 महीने के लिए SBI के पूर्व DMD और CFO प्रशांत कुमार की प्रशासक के रूप में नियुक्ति भी कर दी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यस बैंक लगातार NPA की समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते ये फैसला लेना पड़ा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.